नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर अपने क्षेत्रों की ताजा तरीन खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा, देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। जलाल कोच में क्या पुलिस का डर खत्म हो चुका है या फिर अपराधियों से तालमेल हो चुका है? एक के बाद एक बच्चे से दरिंदगी की शिकार हो रहे हैं। आखिर कब रुकेगी बच्चों के साथ दरिंदगी, एक बड़ा सवाल है। एक बार फिर 6 वर्षीय मासूम बच्चे के साथ दरिंदगी की घिनौनी वारदात सामने आई है। कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला गांधीनगर निवासी सुशील अहिरवार का 6 वर्षीय बालक को पड़ोस के रहने वाले धर्मेंद्र पुत्र कृष्ण मुरारी जोशी उसे बहला फुसला कर एक सुनसान जगह ले गया और उसके साथ कुकरों का डाला। काफी देर तक जब बालक घर नहीं आया तो परिजनों को चिंता हुई और बालक की खोजबीन की तो बालक खून से लथपथ मिला। सुशील ने घटना की तहरीर पुलिस को दी। अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अवधेश सिंह ने बताया कि दुष्कर्म का मामला संज्ञान में है, आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बालक को मेडिकल के लिए उपचार के लिए भेज दिया है, जिसकी स्थिति ठीक बताई जा रही है। क्या बजे की घटना रही है, क्या बजे जानकारी हुई आपको? शाम के 6:30 बजे। अच्छा, तो कौन, किसने ये गंदा काम किया, कौन था ये? वो कितनी उम्र होगी इसकी? 18 के आसपास। क्या क्या पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया कि अभी भी फरार है? गिरफ्तार कर लिया। क्या कार्रवाई चाहते हैं ऐसे दिनों में? ये आपके घर से कितनी दूर रहते हैं? पास में ही मोहल्ले ही में रहते हैं। अच्छा, आप लोगों ने खोजबीन की बच्चे की? हाँ, शाम को। अच्छा, कहाँ मिला ये बच्चा फिर? उसी के घर से आ रहा था, उससे पूछी थी। पहले भी इस तरीके की कभी मामला बताया बच्चे ने कि पहले भी इस तरीके की घटना को किया उसने? कुछ नहीं बताया, ये पहली बार बताया। सर, एक कुकर्म की घटना सामने आई है, क्या है पूरी घटना और पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? थाना कोच के कोच कस्बे में कल सायंकाल एक 6 वर्षीय बच्चे के साथ दुष्कर्म की बात प्रकाश में आई थी। उसके मेडिकल परीक्षण कराया गया और आबादी की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। सर, बच्चे की क्या उम्र है? 6 वर्ष उम्र है बच्चे की। सर, अभी स्थिति क्या है बच्चे की? एकदम बिल्कुल ठीक है।